राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, बहुत दिनों से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वंदे भारत एक्सप्रेस का जो प्रोजेक्ट है ना, वो हमारे मऊ गोरखपुर रेल रूट पे जो ट्रेन है ना, वो वंदे भारत कब चलने वाली है। तो उन्हीं सभी चीज़ों की जो जानकारी के साथ जो है ना, वो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट किया था कि आपको सबसे पहले किस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है ना, वो आपको वीडियो देखना है। तो चलिए आज जो है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी लोग को यहाँ पे पता होगा कि 11 और 12 अप्रैल को हो रहे जयपुर में, मतलब यहाँ पे जयपुर में रेलवे का, यहाँ पे IRCTC का मीटिंग चल रहा था, जिसमें हमारे गोरखपुर मऊ रेल रूट से ना कई सारे वंदे भारत, मतलब एक से दो वंदे भारत का यहाँ पे प्रस्ताव लेकर ना, यहाँ पे NER के जोन जो है ना, वो दिया गया था कि इस रेल रूट पर भी वंदे भारत और अमृत भारत जैसे कई सारी ट्रेनों का यहाँ पे संचालन की जो व्यवस्था है ना, वो यहाँ पे किया जाए। तो उन्हीं सब चीज़ों की जो जानकारी के साथ में ना, आपको आज आपको बताने वाला हूँ कि जो ट्रेनें हैं ना, वो कहाँ से कहाँ जो है ना, वो जाने वाली हैं। वैसे अगर मैं बताऊँ कि बहुत सारे यहाँ पे ना, जैसे गोरखपुर से वाया मऊ होकर सूरत के लिए, और गाजीपुर से जो अमृत भारत की जो शुरुआत होने वाली थी, जो कि बांद्रा टर्मिनल के लिए यहाँ पे ना दिया गया था प्रपोजल, कि आप गाजीपुर से चलकर और बांद्रा टर्मिनल के लिए यहाँ पे ना वंदे भारत यानी अमृत भारत का जो ट्रेन का संचालन की जो व्यवस्था है ना, उसे यहाँ पे किया जाए। और आप सभी लोगों को ही पता ही होगा कि हमारे यानी सादात और यहाँ पे पूरा ओडियार रेलखंड पे ना वंदे भारत एक्सप्रेस का यहाँ पे इनॉग्रल तो अभी नहीं कह सकते, यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस का यहाँ पे ट्रायल रन भी जो है ना, वो यहाँ पे किया जा रहा था। और उससे पहले जो है ना, वो मैं आपको वीडियो दिखाया था ट्रायल रन का, कि जहाँ पे सादात और जखनिया और बिल्था रोड से जो ट्रेन है ना, यानी वंदे भारत एक्सप्रेस, वो उसका ट्रायल रन हुआ था। और हमारे रूट पे जो ट्रायल रन जब हुआ था ना, तो कई जगह जो है ना, वो दिक्कत का सामना करना पड़ा है। इसकी वजह से इस IRCTC मीटिंग में ना, जो रेलवे का जो IRCTC जो मीटिंग हुआ था, अभी इस रेल रूट पे ना वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का कोई भी निर्णय जो है ना, वो नहीं लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो कमियाँ ये इस रूट पे निकाली गई है, क्योंकि इस रेल रूट पे ना यहाँ पे डबलिंग का कार्य अभी ज़्यादा हो रहे हैं, और इस रेल रूट पे ना कई जगह जो है ना, वो कौशन लगाए गए हैं, और इस रेल रूट पे जो ट्रैक है ना, वो कई सारे घुमावदार हैं। इसके वजह से ना यहाँ पे अभी वंदे भारत एक्सप्रेस का यहाँ पे संचालन पे ना, यहाँ पे अपने यानी मऊ गोरखपुर रेल रूट पे ना, अभी यहाँ पे रोक लगाया गया है। हो सकता है कि आने वाले यहाँ पे टाइमों पे, क्योंकि अभी हमारे रेल रूट जो है ना, वो काफ़ी तेज़ गति से जो है ना, वो सुधार हो रहे हैं, और यहाँ पे कई सारे जो है ना, वो यहाँ पे पूरा रेल ट्रैक दोहरीकरण का भी जो कार्य है ना, वो बहुत ही तेज़ गति से ना यहाँ पे चल रहे हैं। तो हो सकता है कि इसके बाद जो है ना, वो हमारे रेल रूट पर वंदे भारत और अमृत भारत जैसे ट्रेनों का यहाँ पे संचालन ना बहुत जल्द से जल्द जो है ना, वो देखने को मिले। वैसे आप सभी लोग बहुत दिन से पूछ रहे थे कि भाई, आप IRCTC मीटिंग में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या वंदे भारत एक्सप्रेस का यहाँ पे संचालन की मंजूरी मिली है या फिर नहीं मिली है। तो अगर आप साफ साफ ने सुनेंगे, तो अभी हमारे रेल रूट पे वंदे भारत की जो संचालन की जो मंजूरी है ना, वो अभी तक नहीं मिली है। जैसा कि अभी आपको मैं पीछे बताया ही हूँ कि वंदे भारत की जो संचालन की मंजूरी है, वो क्यों नहीं मिली है। वैसे एक चीज़ और यहाँ पे भी बताया गया था कि जो गोरखपुर से वाया लखनऊ बरेली होते हुए, रायबरेली होते हुए जो प्रयागराज के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा रही है, क्यों नहीं इस ट्रेन को हफ्ते में एक या दो दिन हमारे मऊ के रास्ते जो इस वंदे भारत का संचालन है ना, उसे कर दिया जाए। ये भी बात जो है ना, वो IRCTC मीटिंग में रखी गई है, लेकिन यहाँ पे सामने निकल कर ये आई है कि वंदे भारत एक्सप्रेस को केवल एक ही रूट पे जो है ना, वो चलाया जा सकता है। मतलब अभी तो मतलब आपको पता ही होगा कि जब वहाँ से कह दिया गया है कि इस रूट पे रेल ट्रैक दोहरीकरण कार्य चल रहे हैं, और इस रूट पे अगर वंदे भारत चल रही है, तो देखिए अगर किसी भी रूट पे वंदे भारत चल रही है, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना, वो देना जाहिर सी बात है। अगर हमारे रूट पे वंदे भारत चलती है, तो इससे जो है ना, वो कई सारे मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन को जो है ना, वो जाते यहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारे रेल रूट पे ना यहाँ पे केवल सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है, और यहाँ पे डबल लाइन जो है ना, वो नहीं है। और डबल लाइन यहाँ से हो भी रहे हैं, तो केवल ओडियार से वाराणसी के बीच में जो है ना, वो पूरा डबल लाइन है, बाकी का पूरा जो रेल सेक्शन है ना, वो हमारा सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है। तो फिर से इन्हीं सब चीज़ों का जिक्र करके, इस प्रयागराज वंदे भारत एक्सप्रेस का भी जो रैक शेयरिंग होने वाला था, यानी एक हफ्ते में एक या दो दिन जो इधर से चलने वाला था, इसको भी जो है ना, वो यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है।
बाकी देखते हैं कि अब आने वाले टाइम पे अब हमारे रेल रूट पे वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे ट्रेनों का संचालन कब तक हो रहा है और कब तक नहीं। वैसे बताया यह जा रहा है कि रेल ट्रैक दोहरीकरण होने के बाद यहाँ पे ना पूरा ट्रैक में ना पूरा सुधार यहाँ पे लाया जाएगा। उसके बाद एक बार फिर से जो है ना वो IRCTC मीटिंग के द्वारा यहाँ पे ट्रेनों का प्रस्ताव यहाँ पे रखा जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने को लेकर। वैसे इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नए ट्रेन के जर्नी और वीडियो में, तब तक जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल, आप सभी लोगों का।